फाइनली 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 भोला मूवी का ट्रेलर आ गया, जो कि मोस्ट अवेटेड ट्रेलरों में से एक था, जिसका हम लोगों ने काफी तेजी से इंतजार किया था। मतलब काफी दिनों जब से इसका टीजर आया था और जब से हम लोगों को पता चला भाई ये कैथी मूवी का एडॉप्टेशन रीमेक है, मतलब पूरी तरीके से रीमेक नहीं, एडॉप्टेशन रीमेक है, तब से हम लोग भाई एक्साइटेड थे भाई कि अरे क्या होने वाला है। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं गॉडफादर टीवी। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अपना इंट्रो दे दिया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसा लगा मुझे ये टीजर, क्या आपको ये मूवी देखना चाहिए या फिर ये कैथी की एडॉप्टेशन रीमेक है इसलिए नहीं देखनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर का जो लेंथ है 2:34 का है, जो कि अभी मतलब कई दिनों से जो ट्रेलर आ रहे हैं उनसे काफी छोटा है। टीजर के रूप में समझ लो एक तरीके से ट्रेलर का लेंथ दिया गया, जो कि मुझे काफी पसंद आया। और हाँ, इस ट्रेलर ने कुछ खास रिवील नहीं किया है, मतलब इसका जो स्टोरी वगैरह है वो कुछ खास पता नहीं चला कि यहाँ कैसा स्टोरी होने वाला है, कौन विलन होने वाला है, या कुछ भी ऐसा पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, जैसे कि ये तब्बू का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में मे बी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये जो ट्रेलर मैंने देखा उससे मुझे ऐसा फील होता है कि स्टार्टिंग में जो ये करप्ट ऑफिसर होंगे, मतलब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ करप्ट ऑफिसर होंगे, तो फिर जब बाद में जाकर अजय देवगन यानी कि इसमें जो भोला है उससे मिली होंगी और जो भगवान के पावर्स वगैरह को जानी होंगी, तो ये बाद में जाकर सुधर गई होंगी, कुछ ऐसा मुझे मतलब ये जो ट्रेलर देखने से ऐसा फील मतलब अंदर से वाइब आया है। तो मैं ये आपको सोचा मैं बता दूँ। वैसे तो ये जो स्टोरी है कि ये करप्ट ऑफिसर बाद में सुधर जाता है, ऐसा स्टोरी जो बॉलीवुड में नॉर्मली होता रहता है, तो इसलिए लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। और मुझे इस ट्रेलर में एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, वो ये कि इसमें जो मेन विलन है वो रिवील नहीं किया गया, मतलब एक सस्पेंस जो बनाने की कोशिश किया जा रहा है वो तो ऐसे बन रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों को ये बात तो पता चल ही चुका है कि इसके जो मेन विलन होने वाले हैं अभिषेक बच्चन होने वाले हैं। क्योंकि जब भोला मूवी का ये जब शूटिंग चल रहा था उस टाइम पे अभिषेक बच्चन का एक पिक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो हाथ में ग्रीन स्क्रीन पहने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, वो हाथ में कुछ ग्रीन स्क्रीन पहने हुए हैं। एज अ सेम हैंड हम लोगों ने भोला के टीजर में देखा था, जहाँ पे स्केलेटन हैंड दिखाया जाता है, तो ग्रीन स्क्रीन से में भी स्केलेटन हैंड दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, और यहाँ पे अभिषेक बच्चन ही मेन विलन होने वाले हैं, ये तो 100% श्योर है। अब बात करें इसके VFX कैसे थे, तो मैं साफ शब्दों में बता दूँ, जब से KGF आया है और ये दिखाया गया है कि कुछ डार्क माहौल रख के, जैसे एटमोसफियर डार्क रख के उसमें VFX आप अगर कर रहे हैं तो लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे कि ये VFX कमज़ोर है या फिर यहाँ पे ये कमियाँ हैं, लोग वहाँ पे डार्कनेस देखने लग जाते हैं और वहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस वगैरह होते हैं वो लोग देखने लग जाते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं VFX कैसा है। वही सेम टेक्निक यहाँ पे भोला मूवी भी यूज़ कर रहा है, हाँ बस फर्क ये है कि वहाँ पे कलर ग्रेड करके डार्क किया गया है, यहाँ पे रात में शूटिंग दिखाया जा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो देखा वो रात का ही मतलब फाइटिंग सीन दिखा, और रात में भी जो फाइटिंग सीन दिखाया गया है उसमें भी साफ अगर आप लोग देखेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बहुत ही हार्ड तरीके से ग्रीन स्क्रीन का और VFX का यूज़ किया गया है। VFX चलो ठीक है यूज़ किया गया है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर लगते हैं VFX यहाँ पे, वैसे क्या ही कर सकते हैं भाई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खास ज़्यादा उम्मीद रखा नहीं जा सकता भाई VFX माल में, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, क्योंकि ये लोग 500 करोड़ लेके लेजर शो बना देते हैं। वेल बात करें अजय देवगन की, तो यहाँ पे सिर्फ अजय देवगन एक एक्टर के रूप में नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड को डायरेक्टर भी हैं, और जिन्होंने उनकी सिवाय देखी है भाई, सिवाय खुद अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया था, और उनको पता है जो सिवाय देखा है उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि उनका डायरेक्शन कितना अच्छा है, उनका एक एक स्क्रीन अपीयरेंस इतना स्ट्रांग था भाई कि गूसे बम्स आ जा रहे थे अंदर से, सिवाय उसका BGM वगैरह कितना शानदार था, मज़ा आ गया था। इंडिया सिनेमा में वो मेरे मतलब एक तरीके से देखा जाए ना वो काफ़ी अच्छी मूवी थी सिवाय, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी उस टाइम का मेरा था, उस टाइम सोच सकते हो भाई, मतलब उस टाइम हम बच्चे थे कुछ खास पढ़े नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी उस टाइम मूवी। और अभी फिलहाल कई लोग इसकी बुराई कर रहे हैं ये कह के कि भाई ये कैथी का रीमेक है और बॉलीवुड वाले रीमेक बनाना बंद नहीं करेंगे, तो भाई मैं ये बता दूं कि ये रीमेक पूरी तरीके से रीमेक नहीं है, एडॉप्टेशन रीमेक है। जैसे तो मान लो कोई कैरेक्टर है, ठीक है, एक फिल्म है उसमें एक कैरेक्टर है, तो इस फिल्म से क्या वो लोग क्या किए, उस कैरेक्टर को कॉपी किए हैं कि हाँ जैसे उसमें कैथी है, मतलब उसमें जो कैथी रहता है उसकी कैरेक्टर को दिल्ली, मतलब सॉरी दिल्ली जो उसमें कैरेक्टर रहता है उस कैरेक्टर को इसमें कॉपी किया गया है, अजय देवगन उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, पर उसकी जो कहानी है वो अलग होगी, इसकी कहानी जो है वो अलग होगी, ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि जो ट्रेलर देख के ऐसा हम लोग को फील आ रहा है कि ये जो कहानी है कैथी से काफ़ी अलग होने वाली है, हट के होने वाली है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, बाय।